Hello friends, this is RD. Again, after finding me on your screen, definitely you are going to learn something new. आज मैं उन चीजों पे डिस्कस करूंगा जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसका इंग्लिश क्या होगा, और आज मैं आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने वाला हूं. सबसे पहली चीज, समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समोसा एक इंडियन डिश है, एक इंडियन ऐसा फूड है जो अक्सर हम लोग, अक्सर नहीं मैं ये कहूंगा, हम ज्यादातर हम लोग वो चीज खाते हैं. समोसा इज समोसा इन इंग्लिश, पर अगर आप उसे प्रॉपरली इंग्लिश में देखना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रायंगुलर पाई. कचौड़ी, कचौड़ी भी एक ऐसा शब्द जो अक्सर कोई आ गया घर में तो लाइक कचौड़ी समोसे है ना, दैट इज पाई. कचौड़ी इज पाई. अभी दो चार दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया कि सर जलेबी को इंग्लिश में ना बोला तो क्या बोला? जलेबी वर्ड सुन के अगर किसी को इंग्लिश बताई जाए तो लगता भी अजीब सा है. जलेबी एक इंडियन डिश है, एक इंडियन स्वीट है, और उसे आप जलेबी को जलेबी ही इंग्लिश में बोलते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा अपनी इंग्लिश को ऐसा चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करूं जिसमें लगे कि हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, दैट इज यू कैन गो विद फनल केक. फनल केक एक ऐसा वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं, या आप उसे ऐसा बोल सकते हैं एक राउंडेड स्वीट. अभी उसी मैसेज के साथ एक वर्ड और था कि सर गोलगप्पे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोलगप्पे और जलेबी को इंग्लिश में नहीं बोला तो क्या बोला? बस वही बात है कि गोलगप्पे आप ऐसा, गोलगप्पे या पानी पूरी इसे आप बोल सकते हैं वॉटरी ब्रेड, और यू कैन से वाटर बॉल्स, आप वाटर बॉल्स भी बोल सकते हैं. पर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इतने पॉपुलर हो जाते हैं जिन्हें हम लोग हमारी बेसिक लैंग्वेज में यूज करते हैं. अभी ऐसे फेस्टिवल्स चल रहे हैं जिसमें हम लोग पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी, पूड़ी को हम लोग बोलते हैं फ्राइड इंडियन ब्रेड. फ्राइड इंडियन ब्रेड पूड़ी. रोटी को हम बोल सकते हैं इंडियन ब्रेड, रोटी चपाती, बट पूड़ी इज फ्राइड इंडियन ब्रेड. टिक्की, अभी सर्दियां आने वाली है, लोग टिक्की बहुत खाते हैं, दैट इज पोटैटो पैन केक, दैट इज पोटैटो पैन केक. मैं अभी दो तीन दिन पहले की बात है कि मंदिर गया था, तो वहां मंदिर में मुझे मखाने दिए गए. एक स्टूडेंट मिला के सर नमस्ते, क्या सर फिर आप मिल ही गए हो, मखानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे बड़ी हंसी सी आई कि मखानों को इंग्लिश में बोलना, मखाने मखाने भी बोलते हैं. यू कैन गो विथ फॉक्स नट्स. उस मखानों के साथ मुझे गुड़ दिया गया था, गुड़, गुड़ को हम लोग बोल सकते हैं जगरी. इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं. अभी हम दोपहर में खाना खाते हैं, छाछ पीते हैं, दैट इज कॉल्ड बटर मिल्क, वे. ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, ये ऐसी डिश हैं जिनको हम बोल सकते हैं. अभी इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, दही को लोग दही बोलते हैं, पर देर आर सम वर्ड्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी बेसिक इंग्लिश के अंदर. बस अभी एक छोटी सी चीज और याद आई, जैसे हम लोग पकोड़े, पकोड़े बहुत खाते हैं, है ना? थोड़ा सा बरसात आया तो सबसे बड़ी बात कि पकोड़े खाने हैं, कहीं जा रहे हैं तो पकोड़े खाने हैं, दैट इज फ्रिटर्स. बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जो हम लोगों को नहीं पता, हम उनसे बहुत दूर है. सो आप लोगों की जितने भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे मैसेज में डालिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए. पर आज मैं आप लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि मैंने जलेबी और गोलगप्पे सॉल्व कर दिए. सो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे जलेबी और गोलगप्पे वाले मैसेज ना भेजें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर लविंग मी, फॉर फेवरिंग मी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम गुड वर्ड्स, वोकैब एंड ऑल. बाय बाय.